वेव्स के बारे में तो हम जानते हैं कि वेव्स तभी प्रोड्यूस होती हैं जब हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, जैसा कि अगर किसी टब में या किसी बीकर में वाटर पड़ा है, इस तरह से आप जब इस वाटर के सरफेस को डिस्टर्ब करते हो तो आपने देखा होगा कि मोस्टली इसमें जो है वो वाटर वेव्स इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाती हैं। इस तरीके से वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं जब आप अपने एयर मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं। आप बोलते हैं तो आपके बोलने की वजह से एयर के पार्टिकल जो हैं डिस्टर्ब होते हैं और साउंड वेव इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। और आपने बकायदा खुद साउंड वेव्स भी ट्यूनिंग फोक्स के वजह से प्रोड्यूस करके देखी हुई हैं कि साउंड वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा जो लाइट है, लाइट भी वेव्स को इमिट करती है। आपको मालूम है कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो जो वाइट लाइट है उसी भी डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं, वो भी डिफरेंट वेवलेंथ के थ्रू एयर के अंदर से पास करती हैं, मतलब कि एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती हैं। तो इसका मतलब है जो वेव्स हैं ये हमारे जो है मीडियम उसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती हैं। और जो ये वेव्स होती हैं, वेव्स के पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेशन में होते हैं या इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, आप इस तरह से इसे कह सकते हैं। जैसा कि अगर एक सोर्स ये एक सोर्स है जिससे साउंड वेव्स या कुछ भी वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, इमिट हो रही हैं, तो जो वेव्स हैं वो इस तरह से अगर सर्कुलर पाथ में प्रोड्यूस हो रही हैं, तो अगर ये इसका एक फेज है, मतलब कि आप इसे क्रस्ट कह लीजिए, इसे ट्रफ कह लीजिए, ये इसका एक वेवलेंथ कम्प्लीट हो जाती है। सिमिलरली एक मजीद क्रस्ट आएगा, एक मजीद ट्रफ आएगा, और ये सिलसिला यूं ही चलता जाता है। यहीं से आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये फिर क्रस्ट आ गया, ये फिर ट्रफ आ गया, इस तरह से आपकी जो वेवलेंथ है वो फॉर्म होती है। अगर तो एक वेवलेंथ है और एक यानी कि एक फेज, इस फेज के ऊपर जो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स होंगे, ये सब के सब पार्टिकल्स ये एक ही फेज के ऊपर हैं, यानी कि इस फेज में अगर इसे आप क्रस्ट मान रहे हैं तो इसके ऊपर जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो एक ही फेज के ऊपर मौजूद हैं, और ये सेम जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पर है, यानी कि जिस तरीके से ये पार्टिकल मूव करेगा इसी तरीके से ये पार्टिकल भी मूव करेगा, तो ये एक कम्प्लीट लोकस बन जाता है। आपको मालूम है कि जो लोकस है ये एक रास्ता होता है, लोकस जो है वो पॉइंट्स को एक रास्ता बताता है। इस तरह से कोई भी लोकस हो सकता है जो कि मुख्तलिफ पॉइंट्स को मिलाने से बनता है, और ये अमूमन जो लोकस है इसे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि लोकस जो है हमें रास्ता बताता है, वो हमें पाथ बताता है। तो किसी भी एक पाथ पे, एक रास्ते पे मौजूद तमाम पॉइंट्स जो हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो एक स्टेट, एक ही स्टेट में, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पर हों, एक ही फेस के ऊपर मौजूद हों, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो वेव फ्रंट है, क्योंकि ये वेव से निकला है और एक ही वेव की फेस के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स के एक ही फेस पे मौजूद होने और सेम जो है स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में मौजूद होने की वजह से हम इस वेव को वेव फ्रंट कह देते हैं। वेव फ्रंट जो है वो एक ही टाइप की नहीं होती, इसका मतलब यही नहीं है कि वेव फ्रंट जो है वो हमेशा सर्कुलर टाइप की ही प्रोड्यूस होंगी तो हम कहेंगे कि वेव फ्रंट है, नहीं, बल्कि वेव फ्रंट की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। कि वेव फ्रंट जो है ये वेव फ्रंट की हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जी, कि वेव फ्रंट की टाइप्स, तो वेव फ्रंट की 3 टाइप हैं। एक जिसे हम लोग प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। दूसरी वो टाइप जिसे हम लोग सर्कुलर कहेंगे, ये हमारा सर्कुलर वेव फ्रंट है। और जो थर्ड वन है या लास्ट है हमारी, उसे हम लोग स्फेरिकल कहेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये जो है ये वेव फ्रंट की डिफरेंट टाइप है, सर्कुलर नहीं बल्कि मुझे सर्कुलर को सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहना चाहिए, ये सर्कुलर नहीं बल्कि यहाँ पर लिखना चाहिए सिलेंड्रिकल, CYLINDR। तो ये हमारी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, सर्कुलर नहीं बल्कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। सबसे पहले हम लोग प्लेन वेव फ्रंट को डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये हमारी प्लेन वेव फ्रंट जो कि पहली कैटेगरी थी कि वेव्स की ऐसी वेव फ्रंट की ऐसी कैटेगरी जिसमें हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट जो होता है वो मोस्टली इस किस्म का होता है कि हमारे पास बिल्कुल सीधी किस्म की ना वेव आ रही होती है, वेव फ्रंट आ रहा होता है जिसके ऊपर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही फेस पर होते हैं और सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये प्लेन वेव फ्रंट है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस तरह से ये लास्ट पे जो ये दो वेव्स हैं, इसे आप कह सकते हैं कि ये प्लेन वेव फ्रंट की कैटेगरी में आती हैं, ये प्लेन वेव
फ्रंट है। इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट में जो वेव्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बनती हैं। जो दूसरी कैटेगरी है जिसे हम लोग स्फेरिकल कहते हैं, वो पहले स्फेरिकल के बारे में देख लेते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये ऐसी वेव फ्रंट होती है जो कि ऐसे सोर्स से इमिट हो जो कि स्फेरिकल की शक्ल में जो है वेवलेंथ को इमिट करे, यानी कि वेवलेंथ इस तरह से उसमें से इमिट हो कि स्फेयर की शक्ल में आए, तो उसको हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे कि लेट्स से ये आपका सन है, आपको मालूम है कि आपका सन जो है वो लाइट इमिट करता है, सन की वजह से ही अर्थ तक लाइट पहुंच पाती है। फर्स्ट कर लीजिए कि जो सन से लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आती है वो इस तरह से स्फेरिकल की शक्ल में आती है और दूर दूर तक पहुंचते पहुंचते इसी तरीके से ये चलती आती है, और जब ये दूर तक पहुंचती है तो बिल्कुल सीधी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो सन है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट भी प्रोड्यूस करता है एज वेल एज वो प्लेन वेव फ्रंट भी प्रोड्यूस करता है। जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसमें जो सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली वेव फ्रंट है वो इस तरह से होती है कि वो स्फेयर की शक्ल में होती है, और इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में भी जो हर पार्टिकल्स हैं, तमाम के तमाम पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स का एक लोकस है वो सिर्फ एक ही फेस के ऊपर मौजूद होता है, यानी कि एक फेस या एक लोकस के ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स एक ही स्टेट में होते हैं, एक ही स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, जिसकी वजह से लोकस का ये जो तमाम पॉइंट का ये जो एक लोकस होता है, एक रास्ता होता है, इसे हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। और स्फेरिकल वेव फ्रंट जब प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट होती है तो उस वक्त भी जो पार्टिकल्स हैं वो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन और सेम स्टेट ऑफ फेस पर ही मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो सन है वो स्फेरिकल के साथ साथ प्लेन वेव फ्रंट भी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी है जिसे हम लोग सिलेंड्रिकल कहते हैं, जो सिलेंड्रिकल थी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये एक ऐसी वेवलेंथ होती है जो किसी ऐसे सरफेस से हो प्रोड्यूस हो जो सिलेंड्रिकल सरफेस हो। लेट्स से कि आप ये फर्ज कर लीजिए कि ये वो आपका सोर्स है जो लाइट इमिट कर रहा है, और ये आपके पास एक सरफेस है। आप क्या करते हैं, इस सरफेस के अंदर एक स्लिट का हो, इस तरह से आप इसके अंदर एक स्लिट बना लें, इस तरह से इसके अंदर एक स्लिट बना लें। ये वो हमारी सरफेस थी जिसमें हम लोगों ने इस तरह से एक स्लिट का सुराख सा बना लिया, तो जब ये लाइट इसमें से पास होती हैं तो हमारे पास इस तरह से सिलेंड्रिकल शक्ल की जो है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनना शुरू हो जाती है। इस तरह से हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आना शुरू हो जाती है, और ये वेव जो है वो इसी तरह से बनती चली जाती हैं, जैसे कि आप इस इमेज से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लेट रखी थी, ये सोर्स से लाइट आ रही थी, तो लाइट आने के बाद इस तरह से आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनना शुरू हो जाते हैं, और इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट पे भी जो हर पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल एक ही फेस के ऊपर मौजूद होते हैं और सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में मौजूद होते हैं। जो पॉइंट एक फेस के ऊपर मौजूद होते हैं ये मिलकर एक लोकस सा, एक पाथ सा बना देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि एक फेस पर जो पॉइंट्स का सारा लोकस होता है वो एक ही फेस पर मौजूद होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो। जब ये मूवमेंट शो करे तो साथ ही ये मूवमेंट शो करे। जैसे आपको मालूम होगा कि अगर एक क्रस्ट और एक ट्रफ है तो क्रस्ट के सारे पार्टिकल्स एट अ टाइम ही मूवमेंट शो करते हैं और ट्रफ के पार्टिकल्स भी एट अ टाइम ही मूवमेंट शो करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि किसने ज़्यादा मूवमेंट शो की और किसने कम, लेकिन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में ही मौजूद होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये सिचुएशन होती है कि जो पार्टिकल्स हैं वो उस लोकस के ऊपर, उस फेस के ऊपर पॉइंट्स का सारा लोकस जो है वो स्टे सेम फेस के ऊपर भी होना चाहिए और सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के अंदर भी होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास वेव फ्रंट बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह के वेव फ्रंट हम लोगों ने पढ़े हैं। एक वो वेव फ्रंट जो बिल्कुल ही प्लेन था, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि सन से जो है इमिट होने के बाद लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल स्फेयर से बिल्कुल प्लेन वेव फ्रंट में आ जाती है। दूसरी जो हम लोगों ने स्फेरिकल के बारे में पढ़ा, और तीसरा ये जो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा। तो ये तीन तरह के वेव फ्रंट हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और यही तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं। और वेव फ्रंट के लिए ये होना ज़रूरी है कि एक ही लोकस के ऊपर मौजूद सारे के सारे पॉइंट एक ही फेज में हो और सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पे हो, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये एक वेव फ्रंट है। और जो वेव फ्रंट है वो मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं, और टाइप जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि इसकी तीन टाइप्स हैं, एक प्लेन, एक स्फेरिकल जैसे कि सन के केस में था, और दूसरा सिलेंड्रिकल।